यार जैसे कि आज मौसम बहुत मस्त हुआ है, सुबह मॉर्निंग में भी बहुत बारिश हुई और दिन के टाइम भी बहुत बारिश हुई, तो पराठे खाने का मन करा मेरा। तो मैंने अपनी वाइफ से बोला कि यार पराठे बनाओ, आलू के पराठे और मौसम, क्या लाजवाब जोड़ी है। ये देखिए आलू के पराठों की सिकाई हो रही है और वहाँ हमारी अम्मी बैठ कर पराठों में स्टफिंग कर रही हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए ये पराठों की तैयारी। हमारा लड़का पराठे सूखते हुए और ये हमारी अम्मी पराठों को ट्रेडिशनल तरीके से भरते हुए। ये देखिए आप, तो आज हम पराठों के साथ अपना डिनर कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है मौसम के मज़े लेते हुए दिल्ली में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इना की दुनिया। और आप सब कैसे हैं? दुआ करते हैं आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह भी हैं, सब खैरियत से हैं। तो आज दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और सुबह से बहुत ज्यादा बारिश, तो हमने सोचा रात को आलू के पराठे बनाने चाहिए। तो मौसम में तो ऐसे मौसमों में तो मजा आता है आलू के पराठे खाने का। तो हमारा खाना तैयार हो रहा है, हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, खाना खाते हैं। बाय 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 गाइस। सो गाइज, नेक्स्ट डे हो चुका है और आज थी अम्मी के घर कुरान खानी, तो हम सुबह सुबह निकल गए थे सामान लेने के लिए। जो बच्चे आते हैं पढ़ने वाले, उनके लिए नाश्ता लेने आए थे और यहाँ से हम ले रहे थे उनके लिए कुछ नमकीन। तो ये भी यहाँ से हम ले रहे हैं, एक तो हॉट मिक्स और हमने एक ली है ये कौन सा है, लाजवाब मिक्सर। और इनकी नमकीन बहुत अच्छी होती है। ये भैया की दुकान विनोद नगर में मंडी के कौन सा चौराहे पड़ता है भैया? ये श्रीराम चौक। अच्छा, ये देखिए मैं आपको दुकान दिखाती हूँ भैया की। ये प्रदीप नमकीन भंडार और यहाँ से ही हम हमेशा नमकीन लेते हैं, बहुत अच्छी नमकीन होती है भैया की। और ये रहे वो भैया। चिप्स बड़ी कम नहीं पड़ेंगे भैया? चिप्स और कर देना आधा किलो। जी जी बिल्कुल, आप लोग सब अगर यहाँ आए नमकीन लेने के लिए तो भैया की दुकान से नमकीन ले। यहाँ हर चीज वैरायटी है और ब्रांड के भी हैं भैया के पास, बिस्किट्स भी है, टॉफियाँ भी हैं। और जैसे बच्चों को स्कूल में देने के लिए बर्थडे पे चाहिए होती है तो टॉफी भी अवेलेबल है भैया के पास। और ये सारे बिस्किट्स भी हैं। देखिए आप लोग, सुबह सुबह का टाइम है ये और इतना क्राउड है यहाँ पे, हद से ज़्यादा यहाँ इतनी भीड़ हमेशा ही रहती है। अब केले भी ले लें भैया। केले कैसे दिए? 60 रुपए। माशाल्लाह से कुरान खानी निमट चुकी है और हम जा रहे हैं घर। नाश्ता हमने कर लिया है, अम्मी ने पूरी की सब्जी, पूरी और सब्जी बनाई थी और माशाल्लाह से वो भी खा ली, मैं दिखाई नहीं।
भूल गई शॉर्ट करना, जब खा लिया तब याद आया कि अरे यार तो पूरी तो दिखाई नहीं।